आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे महागठबंधन द्वारा 2015 के विधानसभा चुनाव में अपनाए गए उस तीन खास रणनीति के बारे में, जिसको अगर इंडिया गठबंधन बिहार में एक बार फिर अपनाती है तो वे 40 की 40 सीटें आसानी से जीत सकती है। महागठबंधन द्वारा अपनाए गए उस तीन खास रणनीति के बारे में बताएं। उससे पहले आपको बता दें कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजद, जेडीयू और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, जिसमें महागठबंधन को जबरदस्त सफलता मिली थी। महागठबंधन 2/3 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। बात करें महागठबंधन द्वारा 2015 के विधानसभा चुनाव में अपनाए गए उस तीन खास रणनीति के बारे में, तो उसमें पहला रणनीति था प्रचार प्रसार का। आपको बता दें कि 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने जबरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार किया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो भाजपा प्रचार के दम पे ही चुनाव जीतती है, वह भी महागठबंधन के आगे फीकी पड़ गई थी। दूसरा रणनीति था रैली का आयोजन करना। आपको बता दें कि जब पहली बार महागठबंधन का निर्माण हुआ था, तब पटना के गांधी मैदान में स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया था, जिसका फायदा ये हुआ कि महागठबंधन के घटक दलों के समर्थकों में एकजुटता बढ़ी थी। वहीं तीसरा रणनीति था पिछड़ी और दलित जातियों को एकजुट करना। आपको बता दें कि 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव ने आरक्षण का मुद्दा उठाकर पिछड़ी और दलित जातियों को एकजुट किया था। वैसे यही था महागठबंधन द्वारा 2015 के विधानसभा चुनाव में अपनाए गए वे तीन खास रणनीति, जिसके बदौलत महागठबंधन ने 2015 के चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन की थी। वैसे अगर इस बार भी इंडिया गठबंधन इन तीन रणनीतियों को अपनाती है तो वे 40 की 40 सीटें आसानी से जीत सकती हैं। वैसे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।